बिस्मिल्लाह रहमान अस्सलाम वालेकुम। थंबनेल देख के आपको थोड़ा तजस तो होगा कि मैं क्या नया पढ़ा रहा हूँ। ट्रेलो थोड़ा सुकून से आप बैठे, चंद मिनट की वीडियो है, समझ में आ जाएगा कि आपको मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूँ। ये नहीं क्या चीज़ है ट्रेलो, बहुत सारी के पुरानी होगी, मैं तो तकरीबन 2 साल से यूज कर रहा हूँ इस एप्लीकेशन को। मुझे क्या फ़ायदा हुआ है वही बताता हूँ। मेरा बहुत सारा काम जो है वो एक अलाइन हो गया है, हर महीने की चीज़ में याद रहती है, बार बार इधर उधर वाइट बोर्ड्स पे मुझे शीशों पे लिखना नहीं पड़ता, लिखता हूँ अभी भी लेकिन ट्रेलो से बहुत सारी चीज़ रहती है। फिर टीम के साथ शेयर कर लेता हूँ जो सोच रहा होता हूँ, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है वो खुद से कर लेता हूँ और फिर टीम के साथ शेयर कर लेता हूँ, ये मैंने सोचा है, ये मेरा स्केच वर्क है, मैं यहाँ से यहाँ तक लेके चलूंगा, मैं ड्राफ्टिंग कर लेता हूँ। मेरी टीम को ही बताओ यार मैं कौन सी बात कैसे कर रहा हूँ, तो बताया ट्रेलो से उठा लो, अच्छा ठीक है वहाँ से। तो अच्छा सिंपल TREELLO ट्रेलो, trello.com आप बोले, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आप इसको खरीद भी सकते हैं, हम इसको फ्री में यूज कर रहे हैं, फ्री में भी यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ऑब्वियसली फ्री का एक लिमिटेड होती है, लिमिटेशन आती हैं, पेड वर्जन के अपने एक फायदे होते हैं, तो हर एक का एक फायदा होता है और एक जगह जाके आप बाउंड्रीज आती हैं, उन बाउंड्रीज से आप बाहर नहीं निकल पाते, मगर फ्री में भी इतना है कि आपका एक टीम के साथ जो काम करने का मसाइल है बहुत सारे वो इस पे काबू हो जाएंगे और आप बहुत सारी चीजें सीख सकेंगे। तो चलें टाइम जाए क्या अगर सीख चलते हैं और शुरू करते हैं इसके ऊपर। trello.com जब आप आएंगे तो यहाँ पे लॉग इन और साइनअप का होगा, मेरा साइनअप हुआ, आप इसको जीमेल से भी इंटीग्रेट करा सकते हैं, बहुत आसान सा तरीका है। लॉग इन किया, लॉग इन करने के बाद ये पूछता है आपको कैसे करना है, अपने अपना ईमेल आईडी डालना है, अपना करना है, लेकिन मैं इस पर टाइम बचाऊंगा और कंटिन्यू विद गूगल करूंगा। कंटिन्यू विद गूगल, मेरी कुछ दो आईडीज हैं, दोनों इसमें पे ऑलरेडी पासवर्ड है इसके अंदर, मैंने इस पे अपनी जीमेल की आईडी से क्लिक किया और बस क्लिक करते के साथ ही मैं आगे बढ़ जाऊंगा। वेट कर रहा है, डिपेंड करता है इंटरनेट कितना अच्छा चल रहा है आपका, और अगर अच्छा चल रहा है तो बहुत जल्दी काम करेगा, इंटरनेट अगर तो स्लो है तो कुछ भी नहीं कह सकते। ये ट्रेलो की इस तरह से आप ट्रेलो की देख सकते हैं इंटरफेस किस तरह से आया है। बोर्ड बनाने का सिंपल तरीका है, आप इसमें बने बनाए बोर्ड हैं इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, नए बोर्ड इस्तेमाल करना चाहे नए बोर्ड भी कर सकते हैं। ये मेरे कुछ बनाए हुए बोर्ड्स हैं। अच्छा बोर्ड की किस तरह से अंदर इंटरफेस होता है, क्या सूरत हाल होती है, कुछ इस तरह थिंग्स टू डू का होता है हमारा कि कुछ मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। फिलहाल मैंने यहाँ पे थिंग्स टू डू का बनाया हुआ है, जो मैं सोचता हूँ लिखता रहता हूँ और टीम का शेयर करता रहता हूँ। मैंने अपनी टीम मेंबर्स को ऐड किया हुआ है, बहुत आसान तरीका है, इनवाइट का बटन है, क्लिक करें, तमाम लोग अपने जीमेल से एक्टिव होंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम दे देंगे, मैसेज कर देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे कि भाई ये इस नाम से मैंने लिखा @, जो भी मेरी टीम का नंबर नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा, XYZ जो भी, तो भी मेरी टीम मेंबर्स हैं वो इसके अंदर ऑलरेडी ऐड हैं। जब आप ऐड करते जाएंगे सिंपल, और आप तमाम लोग वहाँ पे अपने अपने सिस्टम के ऊपर बैठ के देखते रहेंगे कि आप क्या काम कर रहे हैं, कैसे कोई भी बंदा एडिट कर सकता है, चेंजेस कर सकता है। अब आप बोलेंगे मैंने कुछ लिखा यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा कि टुमारो मॉर्निंग ब्रेनस्टॉर्मिंग है हमारी, ठीक है ना, टुमारो मॉर्निंग ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो क्या ये सही है गलत है? टीम मेंबर्स आपके अपने रिलायबल होने चाहिए ताकि आपके लिखे हुए को मिटा ना दें, और हर एक से आप हर चीज शेयर नहीं कर सकते। ब्रेनस्टॉर्मिंग मैंने ग्रामरली भी ऐड किया हुआ ताकि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो तो मैं कर लूंगा, चेंजेस कर लूँ। डूइंग मतलब हम क्या कर रहे हैं, अंडर रिव्यू जो हम क्लाइंट के पास भेज देते हैं वो हम यहाँ टास्क लिख देते हैं। हमने लिखा कि हमने एक डिज़ाइन बनाया, डिज़ाइन इन प्रोग्रेस से, ठीक है जी, जो भी क्लाइंट का नाम है हमने लिख दिया, जो भी है हमारा क्लाइंट, ठीक। अच्छा फिर हमने उसको क्लाइंट को बोला भी, ईमेल कर दिया, व्हाट्सअप कर दिया क्लाइंट ने, अभी वो है, तो हम बोलेंगे वो उस क्लाइंट का, एक क्लाइंट का जो डिज़ाइन है वो फीडबैक अवेटेड है, तो सबको समझ आ जाएगा कि अभी हमारा काम जो है क्लाइंट एंड के ऊपर रुका हुआ है। स्पेलिंग अफसोस, डिजाइनर की डिजाइनिंग की स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी। अच्छा डन हो गया क्लाइंट का भाई, ओके अप्रूव, आर्टवर्क रिक्वायर्ड या और अपलोड ऑन सोशल मीडिया, ज़्यादातर यही चीज़ें होती हैं, या तो ईमेल कर देते हैं अगर प्रिंटिंग की ये है मटेरियल, अगर प्रिंटिंग मटेरियल नहीं है तो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, ये सिंपल है। और इस तरह से फिर आगे करते करते हैं क्लाइंट बढ़ते रहते हैं, बोर्ड ऑब्वियसली आप बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे ऐड अनदर आप एडिट कर दें, क्लाइंट का नाम देते हैं,
बी क्लाइंट लिख दे, व्हाटएवर और कुछ कर दे, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ ताकि आपको तंग ना करे। पूरा पूरा बोर्ड भी डिलीट कर सकते हैं, आर्काइव लिस्ट खत्म हो गया, चला गया, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे आपने कहा जी मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी क्लाइंट, सी क्लाइंट जो है मैं यहाँ पे सी क्लाइंट डिटेल लिख देता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आगे पीछे भी कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कि जी मैं क्लाइंट को तरतीब से रखूँ, ए क्लाइंट बी क्लाइंट, तो यहाँ पे मैंने लिखा ए क्लाइंट और इस क्लाइंट को मैं लिया है स्टार्ट में, ठीक है, डूइंग से पहले, और उसके बाद में ले आया बी को और उसके बाद में ले आया सी को। ये मेरी अपनी प्लानिंग है, आप तो से आगे पीछे कर सकते हैं। अब जिसका उसकी टास्क है, ए की टास्क है 01, अब मैं जितने चाहूँ उसके बोर्ड बनाना चाहूँ बोर्ड बना सकता हूँ, 0 01, गलती हो गई, ओके टास्क 01। यहाँ पे मैं फिर करूँगा 02, मैं बस क्लिक करता जाऊँगा लिखता जाऊँगा। अच्छा यहाँ पे सिर्फ ये चीजें, मैं पूरी पूरी ब्रीफ लिखता हूँ, क्लाइंट की जो सजेशन होती हैं वो सब मैं इस पर लिख रहा होता हूँ, क्लिक किया। अच्छा अब ओपन कार्ड, इसको भी आप ओपन करके मजीद डिटेल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अपना नाम लिखा है, मजीद डिटेल। अच्छा आप अटैचमेंट भी दे सकते हैं इसमें, मजीद अपना कमेंट्स भी लिख सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना, डेट्स कैलेंडर, मतलब बहुत सारी इसमें डिटेल्स हैं। आप जब क्लिक करेंगे जाएंगे अटैचमेंट है, आपने कभी यहाँ से मेरे कोई कुछ चाहिए कहाँ से, कंप्यूटर से, ट्रेलो से, मैंने कहा जी कंप्यूटर से मुझे चाहिए, ये अटैचमेंट है मेरी ब्रीफ, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, वो ब्रीफ यहाँ पे अटैच्ड हो गई। मैं लिख दूंगा प्लीज आई हैव अटैच क्रिएटिव ब्रीफ, ठीक है, तो मेरे टीम मेंबर समझ जाएंगे अच्छा यहाँ पे कुछ अटैचमेंट है, चीजें हैं, वो मैंने उसको सही करना है और उसको जाके पढ़ना है, तो वो इजीली पढ़ेंगे, उसके बाद उसका काम शुरू करेंगे। मजीद मुझे कोई कमेंट्स करना तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, उनको मुझसे सवाल है वो कर सकते हैं, क्वेश्चन कि ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, इसको रिप्लाई कर दें। अब मैं अगर कहीं हूँ बैठा हूँ, मैंने लैपटॉप खोला उसमें देखा कि सवाल है, तो उसका मैं यहाँ पे जवाब दे सकता हूँ। उन्होंने बता दिया ओके जी डन, उनमें आ गया, मैंने कहा जी ओके गुड्डू को फिर जाने दें, ठीक है ओके, हो नहीं गया, उसको सेव कर दिया। अच्छा इस कार्ड के अंदर भी डिटेल आ गई, डिटेल में डिटेल, इतनी डिटेल वाइज कि आपको पूरा का पूरा महीने का काम यहाँ पे सेव होते रहेगा, चीज़ें रख दी, पेंसिल कागज से लिखते हैं याद नहीं रहता कौन से पेपर कहाँ रखा है, ईमेल लगते करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, चीज़ें गुम हो जाती हैं, मगर इसके अंदर सबसे बड़ा फायदा है कि हर चीज़ आपकी ईजिली मैनेज हो रही होती है, और महीने के एंड के ऊपर ईजिली वो टैब उठा के आप डायरेक्ट ईमेल कर दें या व्हाट्सअप कर दें, वो पूरी डिटेल आपके पास सामने होती है, जब वो अप्रूव हो जाए तो आप जब क्लाइंट की तरफ हो तो आप कर सकते हैं कि एक क्लाइंट का वर्क जो है वो इन प्रोग्रेस है, डूइंग में लिया है, वहाँ से हो जाता है फिर अंडर रिव्यू, क्लाइंट के फीडबैक का वेट, क्लाइंट के फीडबैक का इंतजार है, उसके बाद आगे बढ़े तो फिर डन बैठी, उसके बाद आगे आप फाइनेंस की तरफ रवाना कर सकते हैं, भैया इसके इन्वाइस दी जाए उसे जो भी है डिटेल। ये मेरा पुराना बोर्ड बना था, इसको नाम चेंज कर सकते हैं बहुत आसानी, ठीक है ना, कोई इसमें मसला नहीं है, आपने इसका आप नाम जो चाहे वो कर सकते हैं, मुख्तलिफ थीम है, टेबल्स हैं इसके अंदर, आप इसको यूटिलाइज करें, ठीक है, बोर्ड के ऊपर आप चाहे तो नाम लिख सकते हैं, आपकी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मुख्तलिफ इसमें मजीद ऑप्शंस हैं जो जो हमारे टीम मेंबर्स हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, रिसेंटली जो हमने क्या क्या कौन कौन सी बोर्ड बनाए हैं उन सब पे डिटेल लिखी हुई है, ठीक है, मैंने यहाँ पे पुराने बोर्ड इसलिए लिखा है खोला है ताकि ऐसी बात है कुछ प्राइवेसी है नए बोर्ड्स की नहीं दिखा सकता, समझाने के लिए मुख्तलिफ टेम्पलेट्स बनी बनाई, आप उन टेम्पलेट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि ये टेम्पलेट कैसी है, किस तरह की है, इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं, किस तरह से लिखी हुई है, मुख्तलिफ चीज़ें आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं बना सकते हैं। कलर स्कीम चेंज करनी है, कलर स्कीम चेंज कर लें, थीम चेंज करनी है, थीम चेंज कर लें, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, आप जैसे चाहें इसको यूटिलाइज करना चाहें, मोल्ड करना चाहें, इसको इजीली कर सकते हैं, अपने बोर्ड पे वापिस जाना, ट्रेडो पे क्लिक करें, वापस अपने बोर्ड पर आ जाएं, मुख्तलिफ टेम्पलेट्स हैं, आप खुद भी अपने टेम्पलेट बना सकते हैं, बनी बनाई भी उठा सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है ना। रिमोट टीम मीटिंग्स आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं, आपने एक बना दी रिमोट टीम मीटिंग्स, अब यहाँ पे आपने अपना एक बोर्ड बन गया, वहां पे अपने जितने 4 टीम मेंबर्स का अपना ऐड करना है वो ऐड कर लिया, नहीं करना है वापस जाना है, आप ट्रेलो के इस लोगो आइकन पे क्लिक करें और अपने वापस उसी बोर्ड पर आ जाएं जो आपका बोर्ड बना हुआ था।
मुख्तलिफ इसमें ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आप आए, आपकी प्रोफाइल है, एक्टिविटी है, कार्ड सेटिंग्स है, तमाम सेटिंग्स हैं। इसको आपने कुछ चेंज करना है, किसी किस्म की सजेशन देनी है तो आप इसमें देख सकते हैं। मतलब एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है जो वर्क मैनेजमेंट के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और मेरा मशवरा ये कि आप लोग भी इस्तेमाल करें। एक बेहतरीन एप्लीकेशन है जो फुलफिल आपको सहूलत प्रोवाइड करती है। उम्मीद करता हूँ मेरे बताने से काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई मसला हो ट्रेलों के अतबार से, वर्क मैनेजमेंट में कोई बोर्ड बनाने के अतबार से, किसी भी तरह का, तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। आई होप सो कि ये आप पूरे महीने के वर्क फ्लो में आपके लिए कुछ कारामत होगा। अच्छा, नया बोर्ड बनाना हो तो बहुत आसान है, क्रिएट पे जाएं, क्रिएट बोर्ड कर लें, और टेम्पलेट लेनी हो तो आप टेम्पलेट कैसे भी जा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली क्लास में, नई चीज़ एक्सप्लोर करेंगे, नई चीज़ आपको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, और वो आपके लिए कारामद होगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के पढ़ा है तो वो आपके लिए कुछ कारामद साबित हुआ होगा, बेहतर होगा। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।